पूरा तुम्हारा लड़का तो हमसे खफा है, पढ़ा लेकिन तुम किस बात पे हमसे गुस्सा है? हम को तुम्हारा भाई का लड़का है, तुम्हारा खून है। इसी बात का तो दुख है, सगे होकर भी तुमने मसला खत्म नहीं किया, हर रोज कोई नया तमाशा खड़ा कर देता है। बड़ा तमाशा को तुम्हारे लड़कों ने लगाया है, बेगैरत खून के बदला लड़की ले आया है, लानत है। 5 साल बाद तुमको याद आया बदले का लड़की का, और ये फैसला मेरे बेटों ने नहीं किया था, तुम्हारे चाचे ने किया था। जाओ जाओ जाके पूछो गुलरेज खान से। मौत से डर गया था वो, हालांकि उसका गुर्दा तो पहले से खराब है, पड़ा है बेचारा अभी चरपाई पे। गुलरेज फिर बीमार है? हाँ, दिलावर खान का जब कत्ल हुआ था तो हम दुबई चला गया था, हमारे को नहीं मालूम था कि 5-6 साल में चाचा गुलरेज दुश्मन के सामने घुटना टेक देगा। ये गैरत। तो तुमको किसने कहा था कि तुम डर के दुबई भाग जाए? चाचे ने कत्ल कर दिया तो तुम डर के दुबई भाग गया कि कहीं तुम्हारा खून ना हो जाए? हिम्मत थी तो तुम इधर ही ठहरता और अपना खून पेश करता, ताकि गुलरेज खान अपनी लड़की ना पेश करता। पूपी सफूरा। क्या पूपी सफूरा? अब तुम निकल जाओ यहां से, इससे पहले कि सैफ खान आ जाए नमाज पढ़ के। उसको तो तुम्हारा खुशबू भी इस दिल्ली से निकला हुआ पसंद नहीं है। बात करता है बतले की लड़की का। सलाम वालेकुम पापा जान। ये क्या करने आया था? यह वो बताने आया था कि गुलरेज का तबीयत फिर से खराब है, उन्हें मना कर दिया है, अब नहीं आएगा पैगाम लेकर।